राष्ट्रिय धर्म सभा नेपालको आयोजनामा द्वितीय राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन सञ्चालन भएको छ। मारवाड़ी सेवा समिति न्यूरोड काठमाडौँमा सञ्चालित दुई दिने कार्यक्रममा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको महत्व तथा उपयोगितालाई कसरी समाजमा प्रस्तुत गर्ने, कसरी यसको विज्ञानलाई सबैमाझ स्पष्ट पार्ने तथा कसरी कर्मकाण्डलाई शास्त्र निर्देशित ढङ्गले मौलिकतालाई जोगाउँदै वर्तमान समयअनुसार परिमार्जित गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। भारतबाट पाल्नुभएका अतिथिजनहरू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव भारत सुवेदीज्यू, संहिता शास्त्री अर्जुन वास्तवज्यू, ज्योतिष परिषदका अध्यक्ष लोकराज पौडेलज्यू, उपस्थित जिल्लाहरूबाट आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर यस्तो बर्खाको बेलामा पनि प्रभार नगरिकन धर्मसभा नेपालको आयोजनामा सञ्चालन हुन लागेको पण्डित सम्मेलनलाई सफलता बनाइदिनको लागि पालन हुने सम्पूर्ण पण्डितजीहरू, सम्पूर्ण कुलजीहरूलाई म हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। Thank you.
सम्मेलनमा देश तथा विदेशका ज्योतिष तथा पण्डितहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, भारतबाट पाल्नुभएका विद्वान पण्डितजीहरू, कार्यपत्र प्रस्तोताजीहरू, उपस्थित पण्डित महानुभावहरू, सर्वप्रथम राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालद्वारा आयोजना गर्न लागिएको द्वितीय राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलनमा मलाई निमन्त्रणा गरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवजीले पनि आफै उपस्थित भई भाग लिई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्यको कारणले श्रीमान सचिवज्यूले यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन, तसर्थ श्रीमान सचिवज्यूको आदेशअनुसार उहाँको तर्फबाट समेत यो कार्यक्रमको सफलताको लागि सचिवज्यूको तर्फबाट समेत शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धर्म र संस्कृतिको संरक्षण मूलत संस्कृति धर्मको सिर्जना गर्ने मान्छेहरू अभ्यासकर्ताहरूबाट नै हुनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई शास्त्र सम्मत विधि परम्परा सम्मत र त्यसको संरक्षण सम्वर्धन र समयानुकूल परिमार्जन गरी समाजमा त्यसको व्यवहारिक उपयोग गर्ने गराउने दायित्व समाजका विद्वान पण्डितहरूको समेत हुन्छ। यस पण्डित सम्मेलनमा धर्म र ज्योतिषको समाजसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि विशेष कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको छ। धर्मका समाजके साथ कैसा सम्बन्ध है और कैसा रहना चाहिए? ज्योतिष और समाज का बहुत पूर्वकालीन समाज और धर्म, ये तीनों का बहुत पूर्वकालीन संबंध है। जब यूरोप और अरब देशों में कोई संस्कृति पनप नहीं रही थी, तब लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कालगणना के स्वरूप एक ज्योतिष का पहले निर्माण किया था। चंद्र का परिवलन कितना होता है, उसकी गति कितनी है, सूर्य का परिवलन कितना होता है, कौन सा ग्रह है, तो ये जो एक संशोधन है ऋषियों का, वो शायद अभी भी इतना सुविधा और सामग्री निर्माण करने के बाद भी भौतिक विज्ञान जान नहीं पाया है, जो ऋषियों ने अपने तपश्चर्या के बल पर किया था। और दूसरी बात है कि व्यक्ति के जन्म के साथ जब ज्योतिष की कोई कुंडली या उसका एक ज्योतिष देखा जाता है, तो धर्म के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में जब कोई काल में उसके पूर्व कर्म के अनुसार जब कोई आपत्ति या विशेष घटना होती है, तो उसका एक संदर्भ ये ग्रह के भ्रमण के कालानुरूप व्यक्ति के जीवन में धरो गया है। तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो, कौन सा कालखंड में उसको तपश्चर्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, कौन से कालखंड में उस पर आपत्तियाँ आने वाली है, उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और एक राष्ट्रीय जीवन एक धर्मसम्मत आदर्श हो, इस दृष्टि से ज्योतिष मनुष्य को मार्गदर्शन करता है। और ज्योतिष के तत्व एक धर्मसम्मत तत्व होने के कारण समाज में धर्म व्यवस्था जागृत रहती है, अधर्म का नाश होता है
और एक उत्तम समाज व्यवस्था के कारण एक उत्तम समाज और राष्ट्र की निर्मित होती है। जी, जैसे कि अभी पंडित लोग कर्मकांड धर्म का वो मंत्र उच्चारण करते हैं, क्या वाकई में इससे कुछ लाभ मिलता है या अभी ये इसका कमी होने का कारण क्या है? गायत्री मंत्र या विभिन्न मंत्रों पर अध्ययन हो रहा है तो उसमें स्पष्टता से पता चला है कि इस मंत्रों से निकलने वाली जो लहरें हैं वो मनुष्य मात्र पे नहीं तो प्राणी मात्र पे और वनस्पति सृष्टि पर भी प्रभाव करती है, और उनमें की जो एक नकारात्मकता होती है वो नकारात्मकता नष्ट होकर एक पॉजिटिविटी आती है, और वही है कि हम समाज को एक पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो मॉडर्न मशीन और मॉडर्न साइंस ने जो मंत्रों पर अध्ययन किया है तो अब वो सिद्ध कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अभी इस थेरेपी का विचार हो रहा है, और जर्मन जैसे अनेक देशों में कैंसर जैसे पेशेंट में जब वेदना के लिए वो अन्य कोई दवाई लेके वो वेदना से मुक्त नहीं हो पाता है तो हमारे मंत्रोच्चार के जब कैसेट लगाए जाते हैं तो ऐसा अनुभव हुआ है कि इन मंत्रों से निकलने वाली स्पंदनों के कारण व्यक्ति का मन शांत हुआ है, दर्द कम हुआ है और उसको लाभ हुआ है। जब आप एक प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई इस मंत्रों का वर्तमान में क्यों नहीं प्रभाव दिखता है, तो वो बात एक मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि समझो आपका एक बैंक में अकाउंट है और ढेर सारे पैसे हैं, तब उसको जब आप साइन करोगे तो वो चेक इनकैश हो सकता है, मगर कोई व्यक्ति है कि जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, पैसा भी नहीं है और वो खाली चेक साइन करके दे तो बाउंस हो जाता है। तो मंत्र शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साधना करना चाहिए। साधना करना यानी हमारा जो साधना का बल निर्माण होता है वो ईश्वर के चरणों में एक बैंक अकाउंट के जैसा होता है, और उसके बाद जब हम उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति आ सकती है। तो साधना ना करना, साधना का क्षात्र तेज और ब्राह्म तेज जागृत ना होना, संकल्प शक्ति जागृत होने तक के साधना का प्रवास ना होना, यह कारण है कि मंत्र के शक्ति का उपयोग समाज में नहीं दिख रहा है करके सब पंडित और पुरोहितों को मैं विनती करना चाहूँगा कि जो भी आप धार्मिक विधि या कर्मकांड करते हो तो वो कर्मकांड करना यह एक आपका कर्तव्य ज़रूर है, मगर उसकी फलश्रुति जो कर्मकांड में बताई है, जो वेदों में और धर्मों में बताई है, उसकी अगर फलश्रुति आप लेना चाहते हो तो आपको व्यक्तिगत जीवन में साधना करना पड़ेगा ताकि आपके मंत्र के स्पंदनों का परिणाम होके उस व्यक्ति को धर्म की, ईश्वर की अनुभूति आए, और उसी के साथ वो अपने यजमानों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पीढ़ियों को भी एक साधना की दिशा देकर, दोनों की, यजमान और पुरोहित दोनों की अगर साधना हो तो उस कर्मकांड की फलश्रुति 100% हो सकती है कलयुग की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से मैं आह्वान करूँगा कि हिंदू धर्मीय भी नहीं, कि जो भी अपने जीवन में आनंद लाना चाहते हैं तो वो साधना करें, और साधना करके साधना के बल पर इस कर्मकांड विधियों का योग्य तरीके से करके अपने जीवन को लाभ दे और समस्त मानव और सृष्टि को उत्थान करे। आजको बढ्दो आधुनिकता सँगै वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममाथि परेको दुष्प्रभावका कारणहरू तथा निवारणका उपायका सम्बन्धमा पनि विशेष छलफल भएको छ। अहिले बजारमा तपाईंले विभिन्न किसिमका धारणाहरू आएका छन् हाम्रो धार्मिक नीतिमा। यो धार्मिक नीतिको छिनो फाँटो चाहिएको तपाईंले हो, तपाईंले निर्णय गर्दा अत्यन्त पारदर्शी हिसाबले मुलुकको वास्तविकतासँग मेल खाने गरी यो निर्मा खालको निर्णयमा खुटिनुहोस्। किनभने तपाईँहरू जतिको योग्य, तपाईँहरू जतिको चाहिँ यो मुलुकको लागि भागीरेखा गर्न सक्ने क्षमता अरूको मैले देखेको छुइनँ। यस अर्थमा तपाईँले यो नीति निर्माण गर्दा यसलाई कस्तो भएर गरिदिनुहोस् र जे कुरा यहाँ बोल्नुहुन्छ, जे कुरा यहाँ निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि यो हलबाट मात्रै होइन जता कतैबाट निक्लिएपछि तपाईँले एउटै स्वर, एउटै विचार व्यक्त गरिदिनुपर्छ र यसैमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा पनि बन्द हुन्छ। के गर्ने क्रिया गर्ने सबै साना साना कुरा हुने, साना मसिना कुरा
जब हिन्दूले राष्ट्र रामायण सरकारले धर्म देखाएर त भने के काम गर्ने के काम गर्ने त्यसकारण यस पटकको यो पण्डित समूहको सम्मेलनको चाहिँ मेन एजेन्डा के हुन्छ भने हामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रले के गर्नुपर्छ भने त्यसको कार्यक्रम बनाउँ त्यही कार्यक्रम लागेर हामी कार्यक्रम गरौँ जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँमा सहर सहरमा नत्र भने हाम्रो देश आज अहिले भर्खर एकजना हाम्रो साथीले भन्नुभएको त्यो स्वर्ग हो भनेर वास्तवमा स्वर्ग हो कैलाश पर्वत लिएर पशुनाथसम्म यहाँ केदारनाथसम्म उहाँले बाँच्नेको देश नेपाल देश जहाँ शालिग्रामको नदी बग्दछ गण्डकी भने एउटा शालिग्रामको थोपा पऱ्यो भने मान्छेको सारा पापनाशले मान्छे हामीले गण्डकीमा शालिग्राम जन्माउनु त्यस्तो देश हो नेपाल भन्ने अब यो केसरी बाललाई सनातन धर्मबाट खत्तम पार्ने हिन्दू राख्ने खत्तम पार्ने अनि के क्रिस्चियन बनाउने यो देशलाई किनभने यो टाउको पालिएर नै आज जाने सारा संसारको कुरा गर्ने भन्ने सिस्टम आएको हुनाले अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि जाने जसरी हुन्छ यहाँ हिन्दूको सङ्ख्या घटाउँ र गाउँ गाउँमा क्रिस्चियनहरूको चाहिँ मिसन बनिरहेको कसैले रोकेछन् त्यहाँ सबै हात तल्लो गरेका भनेर भनेका मान्छेहरू सबै जनजाति भनेका मान्छेहरूलाई सब क्रिस्चियन गरेर राखेको त्यो मात्र होइन यहाँ राष्ट्रका ठुला ठुला पार्टीका नेताहरू पनि क्रिस्चियन बनाएको मित्र पैसा उठाउन नर्ने कुदर यहाँबाट प्रधानमन्त्री भएर पनि नर्ने पुगेका छन् पैसा लिनलाई यहाँ त्यसलाई क्रिस्चियन बनाउन भनेर भन्ने जाने कमिजन भन्छन् तर बनाएर क्रिस्चियन लिने त्यस कारणले म त यति तपाईँ के पनि कुरा गर्दिनँ म एउटै कुरा गर्छु कि जसरी हुन्छ यो देशलाई धर्मनिरपेक्षबाट हटाएर हिन्दू राष्ट्र बनाऊ यसको लागि के कार्यक्रम गर्नुपर्छ आजको कार्यक्रम होस् अरू कुरा सबै छोड्नुहोस् एकवटा कार्यक्रम आउनुपर्छ भने यति भनेर म तपाईँ बिदा धन्यवाद तपाईँ सबैले यो कार्य दिन्छु अर्को बनिसक्दाखेरि यो देश हिन्दू राष्ट्र भएको हामी जान्छौँ आज भोलि सनातन हिन्दू धर्मप्रतिको मानवको गलत अड्कल तथा यसलाई यथाभावी ढङ्गले आफ्नो समय तथा सुविधा अनुसार नसुहाउँदो तथा शास्त्रीय मान्यता विपरीत रहेर परिमार्जित गर्दै कता कता कर्मकाण्डहरू भएको भन्दै संस्कारहरूमाथि भइरहेका विकृतिहरूलाई रोक्न यस्तो प्रकारको सम्मेलन गरिएको हो शास्त्र उल्लेखित शास्त्र निर्देशित संस्कारहरू विज्ञान सम्मत रहेकोले यसलाई कुनै पनि ढङ्गले आफ्नो चाहना अनुरूप परिवर्तन गर्न नहुने जानकारीहरू कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनु भएको छ कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहित कस्तो हुनुपर्छ तथा कर्मकाण्ड कसरी आजको युगमा प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएको छ समाज के लिए पंडित लोग की भूमिका कैसी है और कैसी होना चाहिए हाँ देखिए पंडित को विद्वान का स्वरूप माना गया और हमारे देश में जैसे गुरु पर पूरी तरह से विश्वास होता है उसी तरह से पंडित पर बहुत विश्वास होता है क्योंकि ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है और ज्ञानी का मार्गदर्शन सब लोग करते हैं तो अगर मान लीजिए समाज में किसी तरह की कोई कुरीति है अगर कोई दूसरा आदमी उसको समझाएगा एक बिजनेसमैन समझाएगा एक डॉक्टर समझाएगा या इंजीनियर समझाएगा उसको कोई नहीं समझेगा लेकिन जो धर्म को मानने वाला धर्म की प्रतिष्ठा कौन स्थापित करता है पंडित और पंडित क्या है ज्ञान का भंडार होता है पंडित चाहे तो पूरी सृष्टि में बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी इच्छा शक्ति जो है प्रबल होनी चाहिए और चूंकि आत्मबल प्रबल होगा तो जितने भी जो लोग भटके हुए जो भ्रमित हैं उन लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं तो आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन कुरीतियों को अगर समाप्त करना है तो सबसे पहले पंडितों को तैयार होना पड़ेगा उन कुरीतियों का पता लगा करके और अपने ज्ञान बल से उन लोगों को एक मैसेज देना पड़ेगा उन लोगों के मस्तिष्क में एक ज्ञान भरना पड़ेगा कि आप इन सब से दूर होइए कुरीतियों से और अपने ध्यान अवस्था में आकर के अपने अंदर जो गुण है पंडित आपके गुण को शायद आप नहीं पहचानेंगे लेकिन एक पंडित और ज्ञानी ने आपके गुणों को जानता है उन गुणों को वो बाहर लाता है और उस गुणों को बाहर लाने से आपके अंदर एक सच्चरित्र का निर्माण होता है और जब आपके अंदर सच्चरित्र का निर्माण होगा तो आपके अंदर एक अच्छे अच्छे विचार आएंगे अच्छे अच्छे विचार आने से क्या है लेकिन उसमें सबसे विशेष बात यह है कि वो अपना स्वार्थ नहीं सोचे श्रेय और श्रेष्ठता अगर मैं इन शब्दों के पीछे पड़ गया तो मैं पंडित नहीं मैंने क्या किया या क्या नहीं किया वो सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य होना चाहिए मुझे समाज का भला करना है और समाज की जो पीड़ा है जो समाज का दर्द है जो समाज में कमियां है जो समाज के अंदर मेरी आवश्यकता है वो दूर होना चाहिए आप देखिए उस ये सब अगर कोई
एक धर्मनिष्ठ पंडित इस तरह से कार्य करना शुरू कर देगा तो उस समाज की आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो समाज अमेरिका यूरोप सब उसके चरणों में रहेगा। अनि हाम्रा पूर्वजहरू आएर हिमालका गुफामा भण्डारामा बसेर लुकेर आफ्ना जोतलाई सारा रूपमा बेह गर्थ्यो भन्ने व्यवस्था बनाएर धर्म दुबामा कति कति तपस्या कति योगदान कति बलिदान गरेर त्यो हामीले सुधार पर्ने दुःख हुन्छ। दुःख भएर तपाईँहरू कति दुःख गरेर आउँदा राति आउनुहोस् मलाई कति आउँछ लाइभ कभर कतिले फोन गर्नुभयो मलाई आफ्नै दबाई आउनु सक्यो मैले आउँछु कि भन्नुभयो त त्यसो भए उनीहरू अहिले पनि तपाईँलाई पढ्ने व्यवस्था पनि राम्रोसँग हामीले भोलि बिहान आफ्नो भए आफ्नो मान्छेको आफ्नो इष्टमित्र घर छ पढ्ने ठाउँ छ कोठा छ भने पढ्नु साह्रै आपत पऱ्यो भने त हामी पनि व्यवस्था गर्छौँ र भोलि बिहानदेखि त हामीले बिहान भएर चिया व्यवस्था छ र खास गरी जुन तपाईँहरू भएर आउनुभयो हामीले दुःख दिएको तर हाम्रो नियत दुःख दिएको होइन हाम्रो धर्म बचाउने हाम्रो मेयर कसरी धर्म हामी छलफल गरौँ भोलि हामी तिनवटा कार्यक्रममा तिनवटा समूह भएर छलफल गरौँ र निष्कर्ष निकालौँ निष्कर्ष निकालेर पारित गरौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम भनौँ न अहिले पनि भन्नुभयो संविधान सभामा पनि भयो अन्त संविधान सभा के त हाम्रो मन्त्रीले भनिदिएको अब अहिले हाम्रो मुखमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कसरी बनाउने मूल कुरा चाहिँ त्यो भएर सबै थोक भयो अरू भयो भने त साह्रै बेला कुरा हुन्छ नि। अब कति भन्दै यो उद्घाटन सत्र समाप्त हुन्छ तर कृपया हाम्रो चिया खाजाको व्यवस्था भरे चिया खाजा आयो। पण्डित सम्मेलनमै पण्डित तथा यजमान आचार संहिता नामक पुस्तक पनि विमोचन भएको छ। पुस्तकमा कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितहरू तथा कर्मकाण्ड गराउने यजमानहरूले कस्तो आचार संहिताको पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न विद्वानहरूद्वारा उल्लेख भएको छ। साथै हिन्दू धर्ममा नारीको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि लेखहरू समावेश भएका छन्। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा समाजमा गौमाताको महत्त्वका विषयमा पनि विद्वानहरूले आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको थियो। गाईको ठाउँमा आज मलाई एउटा दुःख लाग्छ हामी पण्डितजीले नै गर्दा गाईको ठाउँमा पैसा दान गर्न थाल्यौँ अनि गाईको अवस्था लोप भयो गाई आज नपुग्नुको अवस्थामा थियौँ। आज हामीले पञ्चगव्यको ठाउँमा आज हामीले तुलसी दिन्छौँ यदि पञ्चगव्य भएन भने शरीर शुद्ध हुन्न भनेर शास्त्रीय प्रमाण पाइन्छ। पञ्चगव्य बिना कुनै पनि शास्त्र हामीले कार्य सुरु गर्न हामीले मिल्दैन। गाईको घिउ भएन भने कुनै पनि यज्ञ गर्न हामीले मिल्दैन किन एउटा रिसर्च पनि छ यदि लोकल गाईको धुलो हामीले हमन गऱ्यौँ भने मात्र प्रोटिन अक्साइड इथिलिन अक्साइड अनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्राप्त हुन्छ भनेर यो अहिलेको रिसर्च हो। पहिले गीतामा यज्ञ अन्न भवती भूतानी भर्जन या दण्ड सम्भव यज्ञ भवती भर्जन यज्ञ कर्म सम्भव भनेर पहिले हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख अर्थात् अन्न भयो भने मात्र प्राणी हुन्छन् अन्तिममा के भनिएको छ वर्षा कहिले हुन्छ भन्दा जब यज्ञ गरिन्छ। अहिले न्यु रिसर्च पनि छ वैज्ञानिकले गरेको प्रोटिन अक्साइड निस्किन्छ यज्ञ गर्दा यो चाहिँ वर्षाको सहायक ग्यास हो सहायक वर्षा कर्मले मद्दत पुर्याउँछ भनेर एउटा नयाँ रिसर्च छ। आज हामीले बजारमा त्यो पाम गरेर बनेको घिउ ल्याएर हामीले हवन गरिरहेका छौँ आज पैसा दान गर्छौँ। मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ गाईको ठाउँमा यदि पैसा दान गर्न मिल्छ भने अब पण्डितजीहरूले एउटा कुरा कन्यादानको ठाउँमा नि पैसा सुरु दान गर्न सुरु गर्नुपर्छ। गाईको ठाउँमा पैसा दान दिएर हुन्छ भने म त्यो धर्मसभामा पनि यो निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले गाईलाई बचाएन भने गाईलाई कसले बचाउने। आज सरकारमा कहिले कुन सरकार आउँछ कहिले कुन सरकार आउँछ सरकारहरूले गाईको अधिकार खोसेर राष्ट्रिय प्राणीबाट हटाउन खोज्छ। हिजो अस्ति मात्र एउटा रिट परेको छ सर्वोच्चमा गाई कसैको भगवान् भने कसैको पकवान पनि हो भनेर हामी सबले मिलेर एउटा कुरा हरेक जनतालाई नेतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ वास्तवमा हामी सनातनवादी हो। यदि 81% हिन्दू जाग्यो भने यहाँ जसले हिन्दूमा द्वेष गर्छ त्यसको खैरियत छैन भनेर हामी पक्का हो तर हामी नपुग्छ पनि होइन हामी सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ।
प्रकारको सम्मेलनले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा हाम्रा प्रज्वलित नगरी नहुने संस्कार तथा संस्कृति जुन अत्यन्तै विज्ञानसम्मत तथा आवश्यक रहेका छन् त्यसको संरक्षण सम्वर्धन तथा महत्त्वमा विशेष प्रभाव पार्ने भएकोले यस्तो प्रकारको सभा सम्मेलन आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। देखिए जो कर्म कांड में जो विकृति का कारण है, जो समाज का जो बदलता हुआ स्वरूप भौतिकवाद, और दोनों ही पक्ष उसमें विकृत हो रहे हैं, जो ब्राह्मण वर्ग है वो भी विकृत हो रहा है, जो समाज का पक्ष है वो भी विकृत हो रहा है, तो एक दूसरे के देखा देखी दोनों ही विकृत हो रहे हैं। उसके अंदर मूल में भौतिकवाद और मूल में जो अशिक्षा परंपरागत जो हमारी मान्यताएं हैं उनका त्याग विकृति का कारण। और पंडित लोगों से कैसे विरोध, जैसे कि वो लोग भी तो समझा सकते थे ना आजकल की पुस्ता को। देखिए आजकल क्या हो गया है, जो ब्राह्मण वर्ग है उसके अतिरिक्त इस विधा के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जिनका इस विधा से कुछ लेना देना नहीं है, जो कहीं परंपरागत रूप से ना उनको ज्ञान है ना उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, तो ऐसा हो गया व्यवसायीकरण हो गया है। अभी किसी को कुछ काम नहीं है, वो भगवा वस्त्र धारण कर ले पंडित जी बन जाए, तो ये क्या हो गया कि एक तरह से देखें कि व्यापारीकरण हो गया है, मूल में धन कमाना ही उसका उद्देश्य रह गया। तो ऐसे जो आगंतुक व्यक्ति जो बाहर से आ गए हैं जिनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो उन्होंने इस विधा को भी बड़ा दोहन कर दिया है। उस वर्ग में पंडित लोग पढ़ते कि नहीं है, ब्राह्मण लोग किसमें, वही तो विकृति लाने वाले वर्ग में, ब्राह्मण जो परंपरागत ब्राह्मण है जो पंडित है उनका इतना रोल नहीं है उसके अंदर, जो आगंतुक जिनको पंडित कहेंगे, जो जिनका इस विधा से मूल में कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने इस विधा का विधिवत ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो उनका ज्यादा इसके अंदर जो रोल हो गया वो महत्व उन्हीं का ज्यादा हो रहा है विकृति लाने में।
और जैसे कि भारत में और नेपाल में जो कर्म कांड किए जाते हैं उसमें समानता है कि कुछ विविधता है? जो जो वैदिक धर्म संस्कृति है दोनों राष्ट्रों में प्राय प्राय एक सी है। जो सनातन धर्म है वही मूल भारत में भी है और वही नेपाल में भी है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। सिर्फ हमारी जो सीमाएं बदल गई हैं, राष्ट्र है ठीक है उसकी, पर जो अगर मूल में देखें तो हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका मूल एक ही है। तो अभी ये धर्म में और कर्म कांड में जो आए हुए विकृति है उसको कैसे निवारण किया जा सकता है? देखिए उसमें ब्राह्मण वर्ग जागरूक हो, जनता भी जागरूक हो, ऐसे ब्राह्मण जो उसमें कर्म कांड में आ गए जिनको ज्ञान नहीं है उनका एक तरह से अगर वो बहिष्कार करे, जनता भी बहिष्कार करे, ब्राह्मण समाज और खासकर जो कर्म कांडी हैं वो एकजुट हों और उनका एक तरह से देखें कि जो कर्म कांड के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो भी धर्म निष्ठा से वो करें तो एक विकृति उसमें दूर हो सकती है। और इसमें जैसे कि ये पुरोहित वर्ग है ना, उनकी क्वालिफिकेशन योग्यता कैसी होनी चाहिए कि वो कर्म कांड या धर्म की कोई अनुष्ठान आगे बढ़ा सके? देखिए उसमें जो अगर देखें कि जो शिक्षालय हैं जो इस तरह के जो विद्यालय हैं जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है पठन पाठन होता है, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे जो विशिष्ट ज्ञानी भी होते हैं जो परंपरागत रूप से सीख लेते हैं, उनके परिवार में परंपरा चली आ रही है, वो किसी स्कूल में नहीं जाते, पर वो स्कूल में जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उससे ज़्यादा उनको विधिवत ज्ञान होता है। तो एक समाज का और एक उस समाज का भी कर्तव्य है कि वो ये देखें कि वो जो जिससे वो कर्म कांड करा रहे हैं उसके बारे में पूर्व वो ज्ञान कर लें, वो किससे करा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो विद्यार्थी जाके सीख रहा है और जो एक विद्यार्थी जो परंपरागत रूप से जिसको ज्ञान है उसमें, तो परंपरागत रूप से ज्ञान वाला मेरे हिसाब से वो विशिष्ट हो गया क्योंकि उसको परंपरागत ज्ञान है उस चीज का। और ये अभी ये नेपाल में हुई ये राष्ट्रीय पंडित सम्मेलन में आप आए हैं तो ये कैसा लग रहा है आपको, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए? देखिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल अंतर्मन से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं कहूँ कि मेरा जो अंतरात्मा वो नेपाल में एक तरह से बसती है, वो तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। भारत में भी ऐसे आयोजन होते हैं, लोग जागरूक होते हैं और जो इस तरह के जो कर्म कांडी जो पंडित हैं उनका जो उसमें बीच में कुरीतियाँ आ गई हैं उस पर दोहन और चिंतन होता है, उसका मंथन करते हैं कि अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका त्याग करें, बिल्कुल संशोधन करें, आत्मचिंतन करें और समाज और राष्ट्र किस मार्ग में जाए, उन्नति में जाए। पुरोहित का भावार्थ जो दूसरों के हित का ध्यान रखे, समाज के हित का ध्यान रखे, राष्ट्र के हित का ध्यान रखे, समाज का कल्याण में उसका एक मुख्य भूमिका होती है, तो पुरोहित का बहुत बड़ा एक महत्व होता है समाज के लिए। मार्गदर्शक पुरोहित कहलाता है समाज का। प्रकारको द्वन्द्व जस्तो चलेको छ, पण्डितले यजमानको नियमअनुसार गर्ने, यजमानले पण्डितले भनेअनुसार गर्ने, यी खालका समस्याहरू समाजमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्।
त्यस कारणले गर्दा हामीले देशभरका प्रतिनिधित्वमूलक पण्डितहरूलाई बोलाएर एउटा छलफल गर्ने एउटा सभा गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालको आयोजनामा हामीले यो सञ्चालन गरेका चाहिँ श्राद्धको विषय श्राद्ध कहिले गर्ने हामीले मृत्यु संस्कारका कर्महरू कसरी गर्ने र हाम्रो धर्म र संस्कृति र समाजमा यसको महत्त्व कसरी अहिले पण्डितहरूलाई यजमानले अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने र पण्डितहरूलाई पनि अपमान गर्ने यस्ता खालका कुराहरू पनि समाजमा उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले कसरी आफूलाई सुधार गर्न सकिन्छ पण्डितहरूको एउटा समाजमा छविलाई कसरी राम्रो पार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले गरेका हौँ र हाम्रो राष्ट्रिय धर्मसभाले यसभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि यस्तै पण्डित सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ र अहिले पनि त्यस बेला पण्डितको आचार संहिताहरू तय गरेका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम पनि हामीले गरेका हौँ। अनि विगतको पण्डित सम्मेलन भन्दा यो कतिको प्रभावकारी भयो र यसले विगत प्रभाव पार्दा हजुर म यो दोस्रो राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलनको संयोजकको नाताले पनि मलाई राष्ट्रिय धर्मसभाले मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। मैले यो 2 दिन पुरा मैले पण्डितहरूको सहभागिता र पण्डितहरूको जिज्ञासा पण्डितहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरू र यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएको म ठान्दछु किनकि हामीले पण्डित यजमान आचार संहिताका पुस्तकहरू सार्वजनिक गऱ्यौँ पण्डित र यजमान बिचको तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ हामीले तपाईँको चाहिँ गर्ने मृत्यु संस्कारका विषयमा उठेका जिज्ञासाहरू यहाँ हामीले समाधान गऱ्यौँ र यस सम्मेलनमा पनि उठेका कुराहरूलाई हामी अब निरन्तर विभिन्न जिल्लामा यस्तै खालका सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै जान्छौँ र हामीले एउटा जागृतिको र समाजमा पण्डितको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामी सबैलाई जानकारी गराउँदै हिँड्ने हाम्रो अभियान छ। समग्रमा चाहिँ कार्यक्रम कस्तो रह्यो यो सम्मेलन? समग्रमा अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सबभन्दा उत्कृष्ट हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ तर आयोजकको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ भनेका छौँ तर पण्डितहरूको सहभागिता पण्डितहरूको लगनशीलता र 2 दिनसम्म धैर्यपूर्वक यस माडबारी सेवा समितिमा बसेर पण्डितहरूको सहभागिता देख्दा चाहिँ यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएको छ।